हमारी आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का सपना था कि भारत में हर दलित हर गरीब परिवार का विकास हो, पर क्या हमारे भारत में दलित भाइयों का विकास हो पाया है? जो लोग शहरों तथा गांव की सफाई करते हैं, क्या उनके कभी दुख और दर्द सुनते हैं? विकास को लेकर देखो आप तो हमारे इधर कोई विकास नहीं हुआ, पूरे गाँव में विकास हो चुका है, कहीं कई ये धर्मशालाएं बनी हुई है, तो कई क्या हो रहा है, तो कई टंके बनाए हुए हैं तो पानी के लिए, ये हैंडपंप बनाए हुए हैं, तो कहीं ट्यूबवेल लगी हुई है, हमारे इधर से ट्यूबवेल है ना कुछ थे, सिर्फ वो एक वो पंचायत का वो एक नल लगाया हुआ है सार्वजनिक, उससे हम पानी भरते हैं, जो कभी आता है तो भर लेते हैं ना, बाकी वह हमारे आसपास जब गंदगी होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे में हरिजन समाज के कुछ गिने चुने परिवार ही बचे हैं। ये लोग लगभग कितने ही सालों से देलवाड़ा गांव में सफर का काम करते आए हुए हैं, परंतु इन लोगों की बस्ती में इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता, वो इनके किसी भी विकास पर कोई बात नहीं करता। ऐसा लगता है साला हम पूरे गाँव के सफाई करके आते हैं, पूरे गाँव को सुधार के आते हैं, हमारे इधर न तो रोड है न नाली है कुछ नहीं है, पूरा कंकड़ भट्टे चलते रहते हैं, अब सफाई करें तो कहाँ करें। इनकी कच्ची बस्ती में आने जाने के लिए ना तो कोई पक्की सड़क है, वह सामुदायिक भवन व सार्वजनिक लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। आए दिन ये लोग समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। इन बिछड़े परिवारों को छोड़कर लगभग सभी समाज के लिए सामुदायिक भवन, सार्वजनिक लाइट, रोड, शौचालय उपलब्ध है। हरिजन बस्ती में इसलिए विकास नहीं हो रहा है क्योंकि हम एसी के आदमी हैं, एसी की हमारी यहाँ कोई सुनता नहीं है, क्योंकि यहाँ गाँव वाले भी हमारा साथ नहीं देते, और पंचायत में जाते हैं लेकिन पंचायत वाले भी ज़्यादा मतलब कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता है। पूरा गांव के अंदर रोड बन गई, हमारी समाज हरिजन समाज के अंदर ही रोड क्यों नहीं बनाई, क्यों कि हम भंगी समाज के लोग हैं। और कितनी बार बोला, जाके भी बोला था भाई हमारा क्या कर रहे हो, ठीक है अब के बजट में हम ये करेंगे, अब के बजट में ये करेंगे वो करेंगे, आपकी बस्ती वाले क्या चाहते हैं विकास को लेकर? हमारी बस्ती वाले विकास के लिए ये चाहते हैं कि हमारे भी यहाँ एक रोड बने, शौचालय बने, भवन बन जाए पंचायत वालों की तरफ से, तो कम से कम अच्छा तरह। हरिजन समाज की कच्ची बस्ती में अगर विकास हो जाएगा तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन शायद वर्तमान में विकास ऊंची जाति के लोगों के लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि विकास का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो सड़कें बनाई जाए, बल्कि विकास का मतलब ये है कि दलित तथा पिछड़े वर्ग का पूरी तरह विकास हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो राजस्थान के राजसमंद जिले के कलेक्टर साहब को 02952205036 पर फ़ोन कर इन दलित परिवारों के विकास के लिए दबाव बनाएं। मैं शंभुराज तंवर देलवाड़ा से, इंडिया अनहट के लिए।